हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम लोग ला चुके हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस के लिए इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 17 है, उसका वन शॉट आईएमपी। ये पूरा वन शॉट आईएमपी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को सोच के बनाया गया है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम क्या 90% के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इसी आईएमपी से आएंगे, ये पक्का है। लेट्स बिगिन विद दिस आईएमपी। लेकिन उससे पहले आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक अपन ने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो जाके जल्दी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे हम लोग आपके साथ में पीडीएफ, पीपीटी और जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे वो शेयर करते रहेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर वन शॉर्ट आईएमपी। तो ये अपना यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, लुक एट दिस, दिस इज योर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। और ये पूरा वन शॉर्ट आईएमपी हम लोग यहाँ पे बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं, धीरे 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 कर करके। लुक एट दिस, ये पूरे चैप्टर के आईएमपी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से। आपको हर एक पॉइंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी बातें मैं आपके साथ में बहुत धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक की। देखो, सबसे पहला जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो है टाइप्स ऑफ टिश्यू में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच का डिफरेंस। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस। और इस सवाल के आने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, मेड अप फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मतलब सेम टाइप का सेल जुड़ के जो टिश्यू बनेगा उसको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू। लेकिन मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब सेल क्या होंगे, अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं, उनसे जुड़ के जो टिश्यू बनेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इफिसेलियल टिश्यू एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो सिंपल टिश्यू हो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एग्जाम्पल्स के तौर पर याद रखना है ब्लड ऑफ एनिमल, जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट। ध्यान रखना, ब्लड एनिमल में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, फूड और वाटर कंडक्ट करने का काम करता है, आपको पता होगा। तो ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डिफरेंस आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जरूर लिख के लाना, ठीक है। नेक्स्ट आईएमपी का जो टॉपिक है अपने वो है ये वाला, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ टिश्यू, देयर आर कितने टाइप के टोटल टिश्यू होते हैं, देयर आर फोर टाइप ऑफ टिश्यूज। जैसा पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एक और ध्यान रखना, फोर टाइप्स ऑफ, ये कौन से टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यूज है। क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये नाम आपको जरूर लिख के आना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टिश्यू इज दैट एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपिथेलियल टिश्यू का मोटा मोटी काम समझ लो, काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो हमारे बॉडी के ऊपर के हिस्से जो होते हैं वो सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। जैसे हमारा बॉडी का स्किन, म्यूकस लेयर, बराबर कि नहीं, जो माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, जो माउथ के अंदर का जो हमारा ये खट्टा कैविटी है उसके ऊपर की जो लेयर है वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून ब्लड को कैरी करने के लिए जो नली बनी हुई है हमारे बॉडीज के अंदर, वेसल्स जिसको बोलते हैं, उसका इनर सरफेस किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से। उसके पहले इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, हर एक चैप्टर का आईएमपी हमने चैनल पे अपलोड कर लिया है, एग्जाम्स के पहले सेमेस्टर के पहले जरूर जरूर देख के जाना, वो आपका पूरा फॉर्मेट या पढ़ने का तरीका चेंज कर लेगा। तो पहले मार्किंग कर लो और फिर जाके स्टडी करने के लिए बैठो। तो सारे चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, प्लेलिस्ट का लिंक है, चेकआउट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अपने को फटाफट सब्सक्राइबर आगे जाना, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा, हमें भी एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी फटाफट आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहे। सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहे, बन रहे, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए, फिर सेमेस्टर एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए अपलोड कर लूंगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जितना हो सके वो लाइक करना इस वीडियो पे, जितना हो सके लाइक, टारगेट है 1K लाइक का, टारगेट है 1K लाइक आना चाहिए, बस ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1K लाइक, ठीक है। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते थे, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे नाम लिखे हुए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टिश्यू मैं आपको बता सकता हूँ एग्जाम में जो आ सकता है वो आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो इनर लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है, एक ये ध्यान रखना आप लोग। एक आता है क्यूबॉइडल टिश्यू, जो ट्यूबुल्स ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होता है और सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये टिश्यू के नाम जरूर याद रखना, ये सारे कौन से टाइप के टिश्यू है, ये सारे अपने
इपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है? इपिथेलियल, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इपिथेलियल टिश्यू एक बार रीड कर लेना, कौन से इपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, इनका स्ट्रक्चर से ही आपको नाम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है स्क्वैमस इपिथेलियल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल, ठीक है। ये एक टिश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन और दूसरे टिश्यू से आते हैं, मैं बताता हूँ। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इपिथेलियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ज्वाइंट करना, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ज्वाइंट करने का काम है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। टिश्यू विच ज्वाइंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? तो सबसे पहला ब्लड, याद रखना ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन मतलब ब्लड कहाँ होता है और फंक्शन लिखा गया, ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हॉर्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने का काम है हमारा किसका? ब्लड का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू है लिम्फ, लिम्फ के बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, लिम्फ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ, ध्यान रखना। फिर हमारा एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का क्या है? सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ये इसका काम है। फिर हमारा एडिपोस टिश्यू जो क्या करता है? इंसुलेशन सप्लाई टू द एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ द फैट। एडिपोस टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना, क्या करना? फैट को स्टोर करना, ये किसका काम है? एडिपोस टिश्यू का। फिर हमारा यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको पता है जो कानों के इलाके में वगैरह होता है, नोज, ईयर, लैरिंग्स, ट्रेकिया की तरह, और इसका काम क्या? लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द बोन्स, गिव द सपोर्ट एंड शेप ऑफ द ऑर्गन। लुब्रिकेट मतलब क्या करता है? वहां पे फ्रिक्शन कम करने का काम करता है और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। फिर हमारा बोन्स, इसके बारे में ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे क्वेश्चन आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आ सकता है, दैट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट। देखो टेंडन्स का काम होता है ज्वाइंट करना, किसको ज्वाइंट करना? मसल्स और बोन्स को, मसल्स और बोन्स को ज्वाइंट करने का काम करता है टेंडन्स। और लिगामेंट का काम क्या है? इसका काम है ज्वाइंट करना किसको? दो बोन्स को एक साथ में। देखो टेंडन्स का काम है मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करना, और लिगामेंट का काम है आपके बॉडी में जो हड्डियां है उस हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ जोड़ने का काम हमारा कौन करता है? लिगामेंट। तो इन दोनों पे एक सवाल पक्का बन सकता है, तो इस पे मैंने स्टार कर रखा है, तो इसको और ज्यादा फोकस करना। फिर हमारे मस्कुलर टिश्यू में हम लोग अगर बात करेंगे तो आपके एग्जाम में, देखो एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो है स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बीच का डिफरेंस। वापस सुनना, स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बीच का डिफरेंस। तो मसल सेल्स आर लॉन्ग सिलेंडरिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हैव नो ब्रांचेस, लंबे होते हैं, सिलेंडरिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स आर शॉर्ट स्पाइनल शेप, अननुक्लिएटेड एंड हैव नो ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंस अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारे स्टेटेड मसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के कौन सी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अटैच टू द बोन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स, ओके। इनको हम लोग स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। कौन सा मसल बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट नॉट अटैच टू द बोन, ये बोन को अटैच है, तो एक डिफरेंस तो अटैच टू द बोन हो जाएगा और एक डिफरेंस नॉट अटैच, एक नॉट अटैच टू बोन्स इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा अटैच टू बोन। इसको दूसरा नाम हम लोग स्केलेटन मसल भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंटरी मसल्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक डिफरेंस हो जाएगा, ये वॉलेंटरी मसल्स, इनको वॉलेंटरी मसल्स भी और बोलते हैं और इनको इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं, याद आया? तो ये सारे आप डिफरेंस में इन पॉइंट को अच्छे से ऐड कर लो, आप इनका डिफरेंस अच्छे से देख लेना और या आप इन पॉइंट से भी अच्छे से डिफरेंस बना सकते हो। दूसरा है मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग में ये हेल्प करते हैं, और मूवमेंट ऑफ आइज लीड्स पैसेज एंड फूड थ्रो, मतलब ये जो मसल्स है हमारे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जो है इनवॉलेंटरी एक्शन में हेल्प करते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब वो एक्शन जिनका हमारा उन पे कंट्रोल नहीं होता है, जैसा मेरी पलके देखो, देखो बिना बोले मुझे पता भी नहीं और वो झपक भी जा रही है, लेकिन स्ट्रेटेड मसल मतलब वॉलेंटरी मसल्स, मतलब मुझे अगर हाथ उठाना है, मुझे अपना हाथ उठाना है तो ये एक्शन मेरे कंट्रोल के अंदर है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से करके जाना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल्स के बारे में एक बार पढ़ लेना। कार्डियक मसल्स का क्या काम होता है? वो हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो हार्ट का क्या कंट्रोल करती है? हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करने का काम होता है हमारे कार्डियक मसल्स का। फिर हमारे यहाँ नर्वस टिश्यू, ये ज्यादा इस चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो पिछला चैप्टर था किडनी वाला याद है, वहां पे हम लोग उसमें हमने इसको डिस्कस भी किया था,
ठीक है ना, तो वहां पे आप पढ़ लेना, बस ये ध्यान रखना नर्वस टिश्यू इनेबल अस टू रिस्पॉन्स स्टिम्यूली लाइक टच साउंड ऑर्डर एंड कलर। नर्वस टिश्यू के मदद से हम लोग टच को, साउंड को, ऑर्डर को, कलर को समझ पाते, एहसास कर पाते, महसूस कर पाते, ध्यान रखना, दैट्स इट। फिर आता हमारा मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये प्लांट के टिश्यू चालू हो गए अभी। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू देखो, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में तीन तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो इनके पोजीशन को लेके सवाल पूछा जाता है कि भाई एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, और इनका काम को लेके। जैसा कि एपिकल मेरिस्टम का काम है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम है ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, और हमारे लेटरल मेरिस्टम का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सवाल पूछा जा सकता है इंक्रीज द गर्थ। गर्थ मतलब क्या, चौड़ाई बढ़ाना, जो स्टेम होता है उसकी लंबाई तो बढ़ रही है, लंबाई तो एपिकल मेरिस्टम बढ़ा रहा है, लेकिन चौड़ाई कौन बढ़ा रहा है, लेटरल मेरिस्टम। तो ये गर्थ वाला ध्यान रखना, मतलब डायमीटर, गर्थ का मतलब क्या होता है डायमीटर, ठीक है। फिर हमारा आता सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्लांट के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस का क्या काम है ये ध्यान रखना, इपिडर्मिस पे शॉर्ट नोट आ सकती है, द एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द ओनली वन लेयर दैट इज कॉल्ड इपिडर्मिस। इपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स इज कवर बाय द वैक्सिंग लेयर ऑफ द क्यूटिकल ड्यू टू विच वाटर इन द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द रिटर्न। मतलब यहाँ पे इपिडर्मिस का काम क्या है, इपिडर्मिस का ये काम है क्यूटिकल, देखो इपिडर्मिस का काम क्या है, इपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स कवर बाय द वैक्सिंग लेयर। वैक्सिंग लेयर मतलब आपने देखा ऐसे प्लांट जो चिपचिपे से होते हैं बाहर से, या उनमें से पानी सा निकलता रहता है, क्यों होता है, वो जो लेयर होती है पानी के अंदर, पानी के अंदर के वाटर को बाहर निकलने दे देती है। तो इसके वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर पानी रिटेन, मतलब पानी बचा हुआ रहता है, धूप के साथ में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। तो अच्छी बात है, प्लांट के अंदर पानी क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा, समझ में आया। तो ये हमारे किसका काम है, इपिडर्मिस का काम है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या पानी को रिटेन करके रखने का काम है। फिर टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखो कौन कौन से आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं प्लांट के अंदर, पहला पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनसे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट करके रखा उस पर ध्यान देना। यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। और उसी तरीके से यहाँ पे हमारा पैरेन्काइमा के दो पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का काम है लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और एरेन्काइमा का काम है हेल्प एक्वाटिक प्लांट लीव्स एंड स्टेम टू फ्लोट। एक्वाटिक प्लांट लीव्स को क्या करता है, फ्लोट करवाने में, मतलब तैरने में मदद करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, इन दोनों को ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जैसा कि जाइलम और फ्लोएम का आप लोग काम जरूर ध्यान रखना, मतलब फंक्शन, तो यहाँ पे उनका फंक्शन लिख के रखा, ये ध्यान रखना। और शायद शायद जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना, डिफरेंस में आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से आराम से लिखने पड़ेंगे एग्जाम्स में। तो जाइलम और फ्लोएम का एक डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा चांसेस है इस सवाल को पूछे जाने के, ठीक है, ये ध्यान रखना। सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टोटिपोटेंट, इसका मतलब क्या, प्रॉपर एनवायरनमेंट और न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई सेल्स है और इस सेल को अगर मैंने प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, प्रॉपर न्यूट्रिएंट दिया, तो इस सेल्स के मदद से मैं नए सेल प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इसी सेल की कैपेसिटी को हम लोग टोटिपोटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो पूछी जा सकती है, ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को आपको यहाँ से पूरा ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से इसको लिखना है। विद द हेल्प ऑफ टेक्निक इट इज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्लांट एंड एनिमल बियरिंग अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऐसे प्लांट और एनिमल बना रहे हैं जिनके पास नई कैरेक्टरिस्टिक है और वो ज्यादा काम की है इंसानों के लिए, ध्यान रखना। टेक्निक्स ऑफ ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट, अब उस टेक्निक्स के वजह से प्लांट और एनिमल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है। इंप्रूवमेंट बोले तो क्या, जो गाय दूध देती है अब वो ज्यादा दूध देगी, जो फसल खेत से उगती है अब वो ज्यादा उगेगी, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव है। फिर क्या है, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, हम लोग आर्टिफिशियली मतलब इंसान जबरदस्ती जेनेटिक चेंज करवा रहा है अपने फायदे के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी करवा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो अलग अलग स्पेसीज को मीटिंग करवा के एक नया
एक अच्छा ब्रीड वाला एनिमल बनाया जाता है। दिस इज द कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे टर्म जो मैंने ग्रीन कलर के रखे हैं, ये सारे वर्ड्स आपके डेफिनेशन के अंदर आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जरूर याद करना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में दो टेक्निक्स इंक्लूड होती है, मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर, ये दो टेक्निक्स मेजर रोल प्ले करती है। प्रोडक्शन ऑफ कैश, अभी यहाँ पे यूजेस बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब ज्यादा पैसे कमा के देने वाली क्रॉप या फसलें उगाई जाती है। इंप्रूवमेंट इन द वराइटीज ऑफ कैश क्रॉप, इंक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू विदस्टैंड विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेट, मतलब क्या एबिलिटीज ऑफ द प्लांट, हम लोग ऐसे प्लांट उगाते हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के सामने खड़े हो रहे पाए। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब क्या, हम लोग ऐसे प्लांट उगा रहे हैं कि मान लो सूखा पड़ गया, आपको पता है सूखा पड़ जाएगा तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे प्लांट उगाने वाले हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के सामने खड़े रह सकते हैं, मतलब सूखा भी पड़ जाएगा तभी भी उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। वैक्सीन प्रोडक्शन, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कॉन्जेनिटिकल डिसीज, मतलब ऐसा डिसीज जो किसी बच्चे को पेट में माँ के गर्भ से ही वो बीमारी लेके पैदा हो रहा है, तो ऐसे डिसीज को भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखे जो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आती है टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स विवो ग्रोथ ऑफ द सेल, एक्स विवो ग्रोथ का मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी नॉर्मल कंडीशन से बाहर पैदा करना, मतलब मान लो कि एक गाजर कहाँ पैदा होती है, गाजर पैदा होती खेत में, खेत में ना पैदा करके जब मैं उसको लैब में पैदा करूंगा तो लैब को बोलूंगा एक्स विवो। एक्स विवो मतलब आउटर इन्वायरमेंट, जहाँ पे होके होना चाहिए था लेकिन वहां से नहीं, कहीं और हम पैदा कर रहे हैं उसको, बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स विवो ग्रोथ ऑफ द सेल और टिश्यू इन द एसेप्टिक और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। एसेप्टिक तो मतलब ऐसा जगह जहाँ पे सब क्लीन इंडेक्स बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट ना हो, सब कुछ क्लीन हो। और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम मतलब प्लांट को ग्रो होने के लिए जो लगने वाले न्यूट्रिएंट है वहां पहले से प्रेजेंट हो। ऐसे मीडियम में जब किसी हम लोग सेल या टिश्यू को ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मैं वापस बता देता हूँ, 1K का टारगेट है यार, लाइक कर लेना, ठीक है। मैं दिल से आपको ये आई प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली, ठीक है। और दोस्तों को शेयर मत करना मत भूलना, और अपने YouTube वगैरह WhatsApp वगैरह पे से दोस्तों के साथ शेयर करो, स्टेटस रखो यार, ग्रो करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हम आपका और मेरा साथ यहाँ तक नहीं रहने वाला, अब लंबा रहने वाला है। जब तक आप 12th पास नहीं करते हो तब तक मेरा साथ, आप देखो क्या क्या आने वाला है, सब कुछ तैयार हो रहा है, लेकिन हम चाहते एक साथ में डालें। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग IMPs वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन बाद में देखो आपके लिए क्या क्या आता है इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज आपका सपोर्ट दिखाना, मैं कभी भी एक रियल कंटेंट लाने की कोशिश हमेशा करता हूँ, मतलब अच्छी चीजें जो डायरेक्ट काम की है, ना कि ऐसा कि भाई 10 दिन में किस तरीके से आउट ऑफ लाया जाए, एक दिन में किस तरीके से पूरी पढ़ाई की जाए, ऐसे वीडियो मेरे को नहीं बनाने। मैंने जितने भी वीडियो बनाए जिसमें मैंने सच में हार्ड वर्क किया है, आप देख सकते हो, कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाया है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे मार्क्स ले लिए जाए, ठीक है। मेहनत वाले वीडियो बना रहे जिसमें हम लोग IMP शेयर करें, जिसमें मैं अकेला 40-40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इतना सा तो बनता है, ओके। लिक्विड, और अभी हम बात करेंगे, अगर हमने बोला ना कि अगर टिश्यू कल्चर के माध्यम से हमें कोई प्लांट उगाना है तो उसको हमें न्यूट्रिएंट मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, ये होता है अगार। अगार क्या होता है, सॉलिड जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर फ्रॉम अगार विच सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी नेसेसरी टू फॉर टिश्यू कल्चर इज यूज इन दिस टेक्निक। तो अगार यहाँ पे एक तरीके से टिश्यू कल्चर में न्यूट्रेंट जो लगता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेरियस प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर पूछा है, कैसा टिश्यू कल्चर को फॉलो किया जाता है, एक बार रीड कर लेना वेरियस प्रोसेस को। लेकिन अब आ सकता है ये वाला टॉपिक, दैट इज चेंज इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव आया, तो सबसे पहला बदलाव आया है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। हमने वो क्रॉप उगाए जो क्या है, जेनेटिक मॉडिफाई है, जिनको हमने अपने हिसाब से क्या कर दिया, मॉडिफाई किया है, जो हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट ज्यादा फसल उग सके उन क्रॉप से, ऐसा हमने उनको बना दिया है। अब ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, नेचर में तो पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि हम खुद उनमें उनके DNA में बदलाव करके उनको बना रहे हैं, करेक्ट है ना, फिर हम लोग उसको खेत में उगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा यूज क्या है, एबिलिटी ऑफ विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। हम लोग ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के सामने क्या हो,
खड़ी रह सके। मतलब मैंने बताया था कि अगर सूखा पड़ गया तभी भी उन फसल को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नेचुरल फसल्स को, जो हम लोग वो फसल जो हम लोग नेचुरली खेत में उगा रहे थे, तो एज कम्पेयर टू जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अच्छा परफॉर्म करेगी नेचुरल क्रॉप से भी। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कैन ग्रो इन एनी ऑफ सच एडवर्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ड्राई फेमिनिज, चेंजिंग क्लाइमेट, इन सब कंडीशन में आराम से वो ग्रो कर सकते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन, केमिकल, वेडिसाइड एंड यूजेस हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड कैन बी अवॉइडेड। अगर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप उगा रहे हो अपने खेत के अंदर, तो आपको उनको पेस्टिसाइड्स वगैरह, या यू कैन से दैट आपको पेस्टिसाइड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्रॉप खुद ही एनवायरमेंट के कीड़े वगैरह मकोड़ों से लड़ लेती है, पेस्ट इंसेक्ट वगैरह से खुद ही लड़ लेती है, क्योंकि रेजिस्टेंट होती है। यहाँ पे उनको इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे यूजेस है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के, यूजेस है, या यू कैन से चेंज इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी, उनमें ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ड्यू टू यूज ऑफ द सीड्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, देयर इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन द लॉस ऑफ क्रॉप। अगर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हो, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू आप फसल की बढ़ा सकते हो और डिक्रीज इन लॉस ऑफ क्रॉप। और क्या होता है कि बहुत समय पे क्रॉप खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, यहाँ पे खराब होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर करके बहुत सारे अलग अलग क्रॉप उगाए हैं और उनके नाम भी यहाँ पे दे रखे, एक बार इनको रीड कर लेना। मतलब आ सकता है कि राइस कौन सा हमने जेनेटिक मॉडिफाइड राइस उगाया, एग्जाम्पल के तौर पर गोल्डन राइस है। कॉटन कौन सा है? तो बीटी कॉटन है। पोटेटो कौन सा? एम्फ्लोरा है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्रीज में। तो ये मैंने पॉइंट जो मार्किंग करके रखे हैं, ये सब रीड कर लेना, बड़े बड़े इजी इजी पॉइंट्स है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि फ्लोरिकल्चर वगैरह में जो फ्लावर्स वगैरह उगाएंगे वो डिसीज फ्री होंगे, वो वायरस फ्री होंगे, और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इनडेंजरस प्लांट, इनडेंजर्ड प्लांट मतलब वो प्लांट जो अब लुप्त होने वाले हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस उगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे बातें आप लोग जरूर ध्यान रखना। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स एंड प्लांट्स उगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे उगा के हम लोग डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना किसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री के अंदर। उसके बाद एग्री टूरिज्म में कैसे, इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन। एग्रो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन, एग्रो मतलब जो उद्योग या जो बिजनेस खेती के ऊपर डिपेंड करे उनको हम बोलते हैं एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन। जैसा सबसे पहला है एनिमल हस्बेंडरी मतलब पशुपालन। ठीक है ना, तो यहाँ पे पशुपालन में सबसे पहला गायों के बारे में दिया हुआ, लोकल इंडियन वैरायटीज ऑफ काऊ कौन कौन सी है, सहीवाल, सिंधी, गिर, ला, खंडी, ये क्या लिखा हुआ है, खंडरी, देवनी, खिलारी और डांगी। तो ये सारे जो लोकल इंडियन वैरायटीज ऑफ काउ है, इनका नाम आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। इससे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, वो वाले क्वेश्चंस मिस मत करना, फिलिंग द ब्लैंक्स होगी और वो आपके लिए एज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स सी कितने लोग वीडियो के एंड तक पहुंच के उन क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, आई एम वेटिंग। ओके, तो ये लोकल इंडियन वैरायटीज ऑफ काउ के नाम लिखने आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। और एक्जोटिक वैरायटी ऑफ काउ के नाम लिखने आ सकते हैं, मतलब जर्सी, ब्राउन, ये वाले, तो ये नाम ध्यान रखना। मतलब अगर आप पशुपालन या एनिमल हस्बेंडरी कर रहे हो तो आपको किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर द क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। क्या क्या केयर करना पड़ेगा आपको, उनको बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। कैटल शेड शुड बी क्लीन, जहाँ पे कैटल रह रहे हैं वो हिस्सा एकदम क्लीन होना चाहिए। ड्राई विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रूफ, ड्राई होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब वहाँ पे अच्छे से हवा आती जाती रहनी चाहिए। ठीक है, कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, और कैटल को आपको वैक्सीन देना बड़ा जरूरी है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए। इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ये दो बातें ध्यान रखना कि लेयर का मतलब क्या होता है, लेयर मतलब वो चिकन जो क्या देता है, अंडे देने में काम करता है, और उनके नाम यहाँ पे लिख के रखे। और ब्रॉयलर का मतलब क्या होता है, ब्रॉयलर का मतलब वो चिकन जो आपको क्या देता है, मीट देने का काम करता है, और उनका नाम यहाँ पे लिखा है। सेरीकल्चर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है, ध्यान रखना, वापस सुन लेना, सेरीकल्चर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है, तो ये जरूर करना। और सेरीकल्चर के लाइफ साइकिल के ऊपर एक सवाल पूछ सकता है कि सेरीकल्चर के लाइफ साइकिल के ऊपर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे लाइक सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के ऊपर सवाल आ सकता है। सॉरी, तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, पहले वो एग होता है, फिर वो यहाँ पे जो भी देगा, फिर लार्वा बनता है, फिर पुपा बनता है, फिर अडल्ट मौत बनता है। तो इस तरीके से उसकी एक लाइफ स्टाइल साइकिल होती है, उसको फॉलो आपको करना बड़ा जरूरी है। तो इस तरीके से हमने पूरी आईएमपी डिस्कस कर दी। अब मैं आपको देने वाला हूँ आईएमपी क्वेश्चंस, या जो भी
वो वाले फिलिंग द ब्लैंक्स या वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में और आ सकते हैं, तो वो एंड में आपको एज अ चैलेंज में देने वाला हूँ, तो शुरू करते उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने एज अ आई एम पी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दे रखे है, यहाँ पे टोटल 10 फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको दे रखे है। इसमें देखो फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, इसके अंदर मैच द फॉलोइंग भी है, और यहाँ इन इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, और देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे देखो अटेंडेंस का काम है, जॉइंट द मसल्स टू द बोन, तो किसका काम है जो आपको यहाँ पे लिखना, जॉइंट टू बोन्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे टोटल मैंने 10 आपको चैलेंज दे रखे कमेंट सेक्शन के अंदर, 10 का 10 अगर आप आंसर बताते हो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको जो भी डाउट होगा आपका क्लियर करने में मैं हेल्प जरूर करूंगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट 10 के 10 आंसर बताते हैं। अगर आपको 10 के 10 नहीं आते, आपको 5 आ रहे हो तो 5 बताना, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका आंसर बताते समय ना तो आपको डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके उसमें से ढूंढ ढूंढ के रीड कर करके इसका आंसर आप मुझे बताओगे, तो इससे आपका एक बार रीडिंग भी बढ़िया सा हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, ठीक है, तो आपका एक रीडिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और अच्छा आपका उसके ऊपर कमांड हासिल हो जाएगा किस तरीके से टेक्स्ट बुक को रीड करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।